राम राम भाई सबने। आज हम बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल का दही हांडी उत्सव या नंदो उत्सव भी इसको कहते हैं। उसके लिए ही भाई मैंने अपने लड्डू राधा का श्रृंगार किया है। इनको पंचामृत से स्नान करा के मैंने सुंदर वस्त्र धारण करा दिए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नए ही वस्त्र हो, लेकिन कोई सुंदर सी आपके पास ड्रेस हो आप वो अपने लड्डू को धारण कराइए। उसके बाद चंदन का तिलक किया मैंने, फिर धूप दीप अपना प्रज्वलित करके और लड्डू राधा की आरती करनी है। मेरे पास तो लड्डू राधा खैर दोनों हैं, जिसके पास लड्डू है वो अपने लड्डू की आरती कीजिए। और आज जो पहला भोग लगेगा ना वो दही का ही लगेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमने अगर जन्माष्टमी से अगले दिन ना मनाया हो तो मना नहीं सकते, आप छठी तक कभी भी नंदो उत्सव को मना सकते हैं। फिर ताज़ा दही ले ली थी मैंने हांडी के अंदर और इसमें तुलसा दल ज़रूर रखना है। फिर इसको मैंने मंदिर के बाहर टांग दिया था जहाँ से लड्डू को भी बिल्कुल ये सीधा दिखाई दे। और इस हांडी को तोड़ने के लिए ना हमें नारियल लेना है। नारियल के ऊपर मैंने कलावा बांध दिया था और हांडी के नीचे भी मैंने प्लेट रख ली थी। जैसे भाई मंदिर के बिल्कुल बाहर है, मैट वगैरह भी बिछे हुए हैं तो पूरा ऐसे फैलेगी नहीं, जो भी दही गिरेगी वो प्लेट में ही गिरेगी। आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे ना करना हो आपको तो हांडी के नीचे होल करके भी आप दही हांडी उत्सव मना सकते हैं। लेकिन हम तो आज हांडी तोड़ेंगे भाई, तो मैंने अपनी हांडी नारियल के साथ तोड़ दी थी। और उसके बाद इसी दही का आज पहला भोग लड्डू राधा को लगेगा। और फिर मैंने अपने लड्डू राधा को सबसे पहले इसी दही का भोग लगाया। इस तरीके से मैंने अपना दही हांडी उत्सव अपने लड्डू राधा के साथ मनाया है। बाकी उसके बाद आपके पास जो और भोग है जो आप लगाते हो, जैसे मीठा है, फल है, दूध है, उसका भोग आप लगा दीजिए। दूध का भोग थोड़ी देर के बाद लगेगा क्योंकि अभी अभी हमने दही का भोग लगाया है, इसलिए मैंने भी मिठाई का और फल का भोग लगा दिया था। तो अगर आपने दही हांडी उत्सव नहीं मनाया है तो आप अभी भी मनाइए क्योंकि अभी छठी आने में समय है। ये मेरी आज की वीडियो थी, पसंद आई तो लाइक शेयर करना।